हेलो फ्रेंड, मैं हूँ मानिक भाई और मेरा साथ कनेक्टेड रहने के लिए बहुत शुक्रिया। जैसे आज डिस्कस करेंगे गूगल एड्स पॉलिसी के बारे में और आप सीख रहे हैं गूगल एड्स ट्यूटोरियल इन हिंदी क्लास में। मैं आपको स्वागत करता हूँ जहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप गूगल एड कोर्स फ्री में सीखने को मिलेंगे और ये पूरा का पूरा टेक्निकली। तो आज का जो मेन टॉपिक है गूगल का कुछ एड्स पॉलिसी है, राइट, एडवर्टाइजमेंट पॉलिसी। और ये पॉलिसी क्या है ये आपको जानना होगा, बिकॉज अगर आप एड कैंपेन पहले से चला रहे हो, ऑलरेडी एक्सपीरियंस हो, तो आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए कि गूगल कौन सा वाला एड कैंपेन सपोर्ट नहीं करते। अगर आप एड कैंपेन थोड़ा सा गलती करके आप चलाने की कोशिश करेंगे और उन लोगों को अप्रूव मतलब पाने के लिए उसको पास रिव्यू में भेज देंगे, तो वो आपको तुरंत आपको अकाउंट जो है वो सस्पेंड करना होगा। फ्रेंड, अगर आप प्रोफेशनली एक आप डिजिटल मार्केटर बनकर, आप पीपीसी एक्सपर्ट बनकर काम कर रहे हो और कोई क्लाइंट का प्रोजेक्ट के लिए काम कर रहे हो, तो ये भी आप देखिए, क्योंकि आपको ये जानना होगा कि डेंजरस प्रोजेक्ट के लिए कुछ प्रोजेक्ट होता है, राइट, कुछ इन्फॉर्मेशन होता है जो गूगल अलाउ नहीं करते। अब यहाँ पर ये देखना होता है कि कौन सा वाला ऐसा है जो प्रोडक्ट है जो गूगल अलाउ नहीं करते और उसका रीजन क्या है, ये भी आपको जानना होगा, राइट। तो पिछले वीडियो के अंदर मैंने यहाँ पर बात किया था ब्रांड प्रोटेक्शन, क्योंकि गूगल कोई भी एक छोटा बिजनेसमैन जो है, जो बिजनेस है, उसका ब्रांडिंग प्रोटेक्शन के लिए वो अच्छा से अच्छा प्रायोरिटी देता है, राइट। तो मान के चले कोई अमेजन, कोई आपको फोन पे या कोई फ्लिपकार्ट, ये सारे जो वेबसाइट है ये ब्रांडिंग बन चुका है। और अगर आप एक छोटा सा कंपनी, उनको ब्रांड नेम इस्तेमाल करके आप ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस फायदा ले सकते हो, तो गूगल का भी आपको सपोर्ट नहीं करते। तो ब्रांडिंग प्रोटेक्शन के अंदर अगर आप ऐसे ही तरीके से एड कैंपेन चलाने के लिए आप कोशिश करेंगे, तो आपका अकाउंट जो है वो बैन कर देता है, राइट। तो यहाँ पर और भी कुछ चीज़ है जो डेंजरस प्रोडक्ट के नाम पर जाना जाता है। गूगल का भी डेंजरस प्रोडक्ट एड कैंपेन करने के लिए वो सपोर्ट नहीं देता है। अगर आप ये भी करेंगे तो आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाता है। तो मेन अकाउंट सस्पेंड होने के नाते यही है। तो पहले आपको क्या करना होगा, आप कोई भी एड कैंपेन चलाने से पहले जो वेबसाइट के अंदर आप एड कैंपेन चलाना, जो वेबसाइट आप यूज करना चाहते हो, वही वेबसाइट आपको थोड़ा सा एनालाइज करना होगा, राइट। तो फ्रेंड, आप देख सकते हो कि यहाँ पर टोबैको प्रोडक्ट्स, वापेन, किमिनल एंड हर्बल, ये जितना सारे प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट के हिसाब से गूगल एक अभी क्वालिटी वाला एड कैंपेन क्रिएट करने के परमिशन नहीं देते। पर कभी कभी क्या होता है, अप्रूव हो जाते हैं, पर गूगल आपको बिहेवियर, लोगों को बिहेवियर देखकर थोड़ा सा एक दिन या दो दिन चलाना को मौका देता है। और अगर आप सुधर नहीं पाएंगे तो फिर से दोबारा आपको जो है वो आपको मतलब कैंसिल कर देते हैं और आपको जो एड्स है वो निकाल देता है। तो फ्रेंड, इसके लिए आपको थोड़ा सा क्या करना होगा, ये अगर कोई भी वेबसाइट को अगर आप प्रमोशन करने के लिए कोशिश करेंगे, तो आपको ज़्यादातर ज़्यादा क्या देखने को मिलेंगे, आपको सस्पेंड हो जाएगा अकाउंट, राइट। तो अगर आपका अकाउंट पुराना है, सस्पेंड नहीं करना चाहता हो या सही तरीके से एड कैंपेन चलाना चाहता हो, तो मैं आपको सजेशन करूंगा कि आप गूगल एडवर्ड जो कीवर्ड प्लानर है वहां पर जाके आप जरूर एक कीवर्ड चूज करिए और उसके बाद आप एड कैंपेन चलाना शुरू करिए। ऑर्गेनिक्सली कोई भी प्रोडक्ट अगर आप सिलेक्ट करेंगे, ऑर्गेनिक्सली अगर आप कोई कीवर्ड सिलेक्ट करेंगे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर मैं स्टार हेल्थ इंश्योरेंस लिख सकता हूँ, जैसे मैं एग्जाम्पल के द्वारा कि कोई भी एक कंपनी है स्टार, STR, स्टार हेल्थ इंश्योरेंस, राइट। तो ये जो है हेल्थ इंश्योरेंस, तो ये एक कीवर्ड है। अगर आप यही कीवर्ड के इस्तेमाल करके आप एड कैंपेन चलाने की कोशिश करेंगे, तो आपके एड कैंपेन सस्पेंड हो सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, गूगल को पता नहीं चलता कि आप कैसे तरीके से क्लेवर हुए या थोड़ा सा दिमाग लगाकर आप कैसे एड कैंपेन चलाते हो, ये वो नहीं करते हैं सपोर्ट। पर क्या है, ऑर्गेनिकली अगर ये ब्रांडिंग नेम आप टाइटल या मेटा डिस्क्रिप्शन के अंदर रखेंगे, तो आपका अकाउंट सस्पेंड हो सकता है, राइट। तो इसीलिए क्या होगा, यही कीवर्ड को अगर आप यूज ना करें और जैसे ऑनलाइन हेल्थ इंश्योरेंस ऐसा ही दिखेंगे या बाय ऑनलाइन हेल्थ इंश्योरेंस, फॉर एग्जाम्पल BUY बाय ऑनलाइन हेल्थ इंश्योरेंस, तो देखिए मैंने यहाँ पर जितना सारे कीवर्ड लिखा हो, इसके अंदर कोई भी कंपनी का ब्रांडिंग नेम नहीं है। एक ऑर्गेनिकली है, बाय एक नॉर्मल टेक्स है, यहाँ पर है, ये सारे के सारे नॉर्मल टेक्स के हिसाब से। तो आप यही तरीके से इस्तेमाल करके, यही कीवर्ड इस्तेमाल करके आपका जो कंपनी या जो बिजनेस है वो आप प्रमोशन कर सकते हो, राइट। तो ऐसे ही तरीके से फॉलो करके आप एड कैंपेन चलाइए। कोई भी डेंजरस प्रोडक्ट को आप प्रमोशन मत करिए या आपको कोई रिक्वेस्ट करता है तो वो भी मत करिए। फ्रेंड, कुछ ऐसे प्रोडक्ट भी है जो फ्रॉड टाइप के बिजनेस होता है, राइट। तो फ्रॉड बिजनेस भी गूगल सपोर्ट नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, कोई श्योरिटी नहीं है जो प्रोडक्ट एक्चुअली काम करता है या नहीं, या आप लोगों को सेटिस्फाई कर सकते हैं या नहीं, तो ये सारे चीज गूगल एनालाइज करता है। आप जानते हो गूगल का रैंक ब्रेन, पेंगुइन, पांडा, ये जितना सारे प्रोग्राम जो टीम बटे है, वो ऑटोमेशन जो रोबोट है, वो आपको वेबसाइट में जाते हैं, वो वेबसाइट को एनालाइज करते हैं और उसको जो रिएक्शन मोड है उसके अंदर अगर आपको मैच हो जाते तो वो वेबसाइट को पेनालाइज भी करने का मौका हो सकते हैं, राइट। तो ये सारे चीज अगर आप कर लेंगे
तो मुझे लगता है कि आपका अकाउंट जो है वो सेफ रहेगा अगर आप ये सारे जो एड कंपनी के जो पॉलिसी है इसके बाहर आप करने की कोशिश करेंगे। तो मेरा आपको विश करूंगा कि आप कोई भी डेंजरस प्रोडक्ट या फ्रॉड या कोई ऐसे जो लोगों को विश्वास नहीं दिला सकते ऐसा ऐड कैंपेन मत चलाइए, क्योंकि आपको ऐड अकाउंट भी खराब हो सकता है। तो फ्रेंड यही एक डिस्कस करने का बात था और मैंने आपको साथ शेयर किया हूँ, और गूगल एड्स ट्यूटोरियल क्लास आपको स्टेप बाय स्टेप ऐसा ही पार्ट वीडियो मिलता रहेगा। फ्रेंड आप जानते हो कि मैं एक प्रोफेशनल डिजिटल मार्केटर हूँ, जहाँ पर आपको SEO, SMO, PPC, गूगल एड्स, इंस्टाग्राम मार्केटिंग, ट्विटर मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, गूगल माई बिजनेस, गूगल एडवर्ट एक्सप्रेस, ये सारी चीज आपको स्टेप बाय स्टेप सीखने को मिलेंगे। और आप देख सकते हैं कि कितना सारे वीडियो मैंने डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर बनाए हो, जैसे SEO के वीडियो भी यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप मिल जाएगा। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा मेरा साथ जुड़े रहिए, चैनल सब्सक्राइब करते रहिए, और मिलते हैं नया एक वीडियो के साथ। तब तक आप हैप्पी रहिए, खुशी रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।